हेलो एंड वेलकम टू सिंपली ऑसम लाइफ। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहा है, दिवाली, दशहरा, तो हर कोई इस टाइम को अपना घर थोड़ा सा सजाता है। सबको अच्छा लगता है इस टाइम को घर थोड़ा सा नए तरीके से सजाना। तो मैं भी वेट करती हूँ इस टाइम के लिए। आउट अराउंड द ईयर हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, बट जो फेस्टिवल्स होते हैं इस टाइम को थोड़ा स्पेशली लगता है कि हम घर अच्छे से सजाएं। तो इसीलिए मैं आइकिया गई थी बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद मैं आइकिया गई थी। आइकिया जाके बहुत अच्छा लगा। बहुत निक नैक चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सो मैं आइकिया से क्या क्या लाई हूँ अपने घर के लिए, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। ये एक बोल है स्टील का। मैंने पर्टिकुलरली लिया है केक बैटर बनाने के लिए, या फिर आप इसमें आप आटा नीड कर सकते हैं, या कुछ भी आपको मिक्सिंग के लिए एक बड़ा बोल चाहिए, जो भी जिसके लिए भी आप चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिला। और मैं आपको बता दूँ, जो भी मैंने ख़रीदा है सबका प्राइस मैं यहीं पर मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर ही, तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे इतना याद नहीं है ईच आइटम का प्राइस, तो इसीलिए मैं आपको स्क्रीन में ही मेंशन कर दूंगी। सो ये है एक स्टील का बोल, बड़ा सा है, बहुत ही अच्छा। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ग्लास कंटेनर्स। मेरे पास जो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स थे वो सब मैंने डिस्पोज कर दिया है, और ये मुझे लेना था आइकिया से ही। मैं वेट कर रही थी कि मैं लूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। सो ऐसे मैंने 3 लिया है, ऐसे राउंड शेप का, ऐसा एक राउंड शेप का इज दिस, दिस इज ऑफ स्क्वायर शेप इज दिस वन। ये शेप बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। ओके, मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ऐसा एक ग्लास का ट्रे जो मैंने ख़रीदा है। ये बेकिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। मेरे पास ऐसा एक है छोटा सा, और एक भी चाहिए था तो मैंने ऐसा ख़रीदा है। या फिर फूड वगैरह अगर आप सर्व करना चाहते हैं, सो या इसमें आप फ्राइड राइस या जो भी आपको लगे, चिकन वगैरह जो भी आप इसमें सर्व कर सकते हैं। दिखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ओके, मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये, एक बास्केट है। ये मेनली मैंने ख़रीदा, इसमें कुछ फ्राइड आइटम अगर आप रखना चाहते हैं तो टिश्यू पेपर देके आप फ्राइड आइटम इसमें रख सकते हैं। पूरी वगैरह, फ्रेंच फ्राइज, जो भी फ्रेंच फ्राइज अगर बल्क में बना रहे हैं तो, या फिर पूरी वगैरह जो भी फ्राइड आइटम्स है आप इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगेगा। या फिर आप इसको वेजिटेबल वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मेनली इसको पूरी तलने के बाद रखने के लिए लाई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये ऐसा आप इसको रख सकते हैं, एंड ये इसके हैंडल है कैरी करने के लिए। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वाटरिंग कैन। ये वाटरिंग कैन मैं स्पेशली इंडोर प्लांट्स के लिए लेके आई हूँ। इंडोर प्लांट्स में क्या है, आपको कम पानी देना है तो इसका जो ऐसे थिन एक माउथ है इससे आप थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं। सो बहुत ही यूज़फुल होगा मेरे लिए ये, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स। अभी दिवाली के लिए मैं ये सारे यूज़ करने वाली हूँ इस बार दिवाली के लिए, क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है। अगर मैं असली वाले कैंडल्स यूज़ करूँगी तो मेरे लिए बहुत ही वो हार्मफुल होगा, इसीलिए मैं इस बार सोची हूँ कि मैं ऐसा बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स यूज़ करूँगी। सो ऐसा मैंने 3 पैकेट्स लिया है। सो मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ऑर्गेनाइजर्स। ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही यूज़फुल होता है। आप कबर्ड के अंदर आपको अगर हाइट में कुछ रखना है, नीचे कुछ रखे, ऊपर भी आपको कुछ रखना है, बोल्स वगैरह या फिर कप्स वगैरह, सो ये एज ए डिवाइडर आता है। ऐसा ऑर्गेनाइजर बहुत यूज़फुल है, एंड आइकिया में ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। 3 लिया है मैंने। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आइकिया में मेनली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे सामान हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेस्क, किचन, किड्स रूम, बेडरूम, सब कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ज्वेलरी बॉक्स, सब कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे सामान मिलेंगे। एंड मैं सोची हूँ इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो भी मैंने सामान ख़रीदा है आइकिया से, वो सब के ऊपर मैं एक
वीडियो बनाऊंगी एंड ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक आइस ट्रे। ये एक सिलिकॉन का आइस ट्रे है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया है। और एक भी था फिश शेप का और एक है पिन व्हील शेप का, ये फ्लावर शेप का है, ये दिखने में मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिया है। ये सिलिकॉन का आइस ट्रे है। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक थर्मामीटर। दिस इज़ मेनली फॉर प्लांट्स। कभी कभी क्या होता है, हम प्लांट को ज़्यादा पानी दे देते हैं हमें पता नहीं चलता, कम पानी देते हैं हमें पता नहीं चलता। ये थर्मामीटर हमें हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि हमने पानी सही दिया है या नहीं। मेनली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, जो तुलसी का पेड़ है मेरे घर में उसमें मैं कभी ज़्यादा पानी दे देती हूँ, कभी कम पानी दे देती हूँ। तो इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ, ये मुझे बताएगा कि मुझे कब पानी देना है, कब पानी की ज़रूरत है प्लांट को। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ एक थर्मामीटर। नेक्स्ट इज दिस टैबलेट स्टैंड। ये मैं मेनली अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ। क्या होता है, वो जब टैब देखती है उसके हाथ दर्द होते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहेगा, इसलिए मैं लेके आई हूँ ये एक टैबलेट स्टैंड। देन इज एक छोटा सा रग। रग मेरे पास बहुत सारे हैं बट ऐसे ही मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए मैं लेके आ गई हूँ ये। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्प्रे। ये लाइक मैं लाई हूँ प्लांट्स के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सैनिटाइज़र रख के इसको आप डोर के सामने भी रख सकते हैं, आपके घर में जो भी एंटर करेगा वो ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये पिज़्ज़ा कटर। हुआ क्या, लॉकडाउन में मुझे पता चला मेरे घर में बहुत सारे सामान है नहीं, कभी एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ा, पिज़्ज़ा तो कभी घर में बनाया भी नहीं था। तो जब लॉकडाउन में मैंने पिज़्ज़ा बनाया, मैंने देखा मेरे पास तो पिज़्ज़ा कटर है ही नहीं, मैं नाइफ से कट कर रही हूँ। तो इस बार जब मुझे आइकिया में दिखा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पर मिल जाते हैं, सो मैं लेके आई हूँ ये। दिस किचन टावल्स। आइकिया के किचन टावल्स बहुत अच्छे रहते हैं। लाइक क्या होता है, मेनली मैं बर्तन पोछने के लिए इसमें यूज़ करती हूँ। इसका अच्छा क्या है ना, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं क्लॉथ के, वो बिल्कुल भी जो आपका यूटेंसिल है उसमें चिपकता नहीं है। तो स्टील आइटम जो होता है ना, स्टील के प्लेट्स या जो भी बोल्स या जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं देखी हूँ, मैंने बाहर से मैं ख़रीद के किचन टावल भी आई हूँ, मुझे आइकिया के किचन टावल ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ये सेट ऑफ फोर है, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस बट मैं आपको मेंशन कर दूंगी। ये मुझे बहुत पसंद है और मैं आइकिया जब भी जाती हूँ मैं इंश्योर करती हूँ मैं किचन टावल पक्का लेके आऊँ। देन इज दिस हैंड ग्लोव्स। हैंड ग्लोव्स अभी बहुत ज़रूरी है। मेनली क्या होता है, जब भी हम बर्तन धोते हैं हमारे नेल्स ख़राब हो जाते हैं, सो उसके लिए मैं ये हैंड ग्लोव्स लेके आई हूँ। हैंड ग्लोव्स नॉट ओनली आपको बर्तन धोने के लिए, आप जब गार्डनिंग करते हैं तब भी आपके नेल्स में मिट्टी घुस जाते हैं, तो उस सब के लिए बहुत आपको आपका हैंड सेफ रखना है, तो ग्लोव्स पक्का यूज़ करिए। तो ये हैंड ग्लोव्स मैं लेके आई हूँ। देन इज दिस छोटा सा बैग। ये बैग 99 रुपीस में मिला। मेनली क्या होता है, अब हम जब सामान खरीदने जाते हैं सब्जी वगैरह या ग्रॉसरी, तो एक बैग की ज़रूरत होता है। पर क्या होता है, हम लेडीज़ लोग ना अपना उतना बड़ा बैग लेके जाना पसंद नहीं करते। छोटा सा अगर है तो इसको आपके पर्स में डाल दो और सामान जब खरीदना हो गया तो ये बड़ा हो जाता है, जब आप इसको खोलेंगे ना बड़ा हो जाएगा, इसमें सारे सामान आ भी जाएंगे। सो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ ताकि मैं अपने पर्स में ये डालूँगी जहाँ भी मैं जाती हूँ। और मेनली हम लोग पॉलीथीन हर कोई अभी अवॉइड ही कर रहा है, सो ऐसे एक छोटा सा बैग हम लेडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है। इस चॉपिंग बोर्ड, ये एक छोटा सा चॉपिंग बोर्ड बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही अच्छा है। जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा। क्या है ना, जब हम एक छोटा सा कुछ चीज़, गार्लिक जिंजर या कोई भी लाइक छोटा सा चीज़ अगर आपको फ्रूट्स वगैरह कट करना है, तो ऐसा एक छोटा सा चॉपिंग बोर्ड बहुत ही हैंडी हो जाता है एंड ये बहुत ही हल्का होता है। मैं ये मेनली लाई हूँ क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मुझे प्रसाद वगैरह जब बनाना होता है कटिंग के लिए मुझे बहुत ज़रूरत है, एक सेपरेट चॉपिंग बोर्ड मुझे रखना था इसलिए मैं लेके आई हूँ। इधर है, ये भी मुझे अलग से रखना है, ओनली भगवान के लिए, जब मुझे दूध का पैकेट या कुछ तो भी जो भगवान के घी का पैकेट होता है वो कट करने के लिए, ये सब के लिए मैं रेगुलर जो मैं यूज़ करती हूँ सीज़र, वो मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सेपरेट चॉपिंग बोर्ड, सीज़र एंड ये नाइफ, ये तीन रखूँगी इसलिए मैं लेके आई हूँ। ये फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं अभी, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है तो मैं ये लेके आई हूँ। प्रोडक्ट है वो है बैटरीज। ये बैटरीज आइकिया के बहुत अच्छे रहते हैं। जब भी मैं या मेरे हस्बैंड हम लोग आइकिया जाते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि हम आइकिया से बैटरीज लेके आए। नेक्स्ट इज दिस सेल्फ स्टिक मिनी लैम्प्स। ये मैंने अमेजन से भी ख़रीदा था, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया एंड मैं आइकिया से भी ख़रीदी हूँ।
थोड़ा DIY के लिए मुझे ये चाहिए था, इसलिए मैं लेके आई हूँ। और इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये सेल्फ स्टिक मिनी लैम्प्स मेनली किचन के लिए लेके आई हूँ। मैंने बताया भी था आप इसको किचन के कबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। मुझे एक रिव्यू आया कि इसमें बहुत बैटरीज ख़त्म होते हैं। मैं इसलिए IKEA का लेके आई हूँ, मुझे देखना है, मुझे डिफरेंस पता करना है Amazon का एंड IKEA का क्या डिफरेंस है, इसलिए मैं लेके आई हूँ ये सेल्फ स्टिक मिनी लैम्प्स। एक और प्रोडक्ट जो मैं इस बार लेके आई हूँ वो है ये फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स कुछ लेके आई हूँ। ये मेनली मैं कुछ DIYs अगर करूँगी उसके लिए मैं लेके आई हूँ। देख के अच्छा ही लगा, बहुत ही, आप अगर सच में देखेंगे ना रियली लगेगा आपको, बहुत ही सुंदर है ये। सो मेनली मैं इसको लेके आई हूँ, कुछ DIYs अगर मुझे करना है उसके लिए यूज़फुल होगा, मैं लेके आई हूँ इसलिए। दिस जग, ये जग एक छोटा सा एक जग है, ये एक अलग शेप का है, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। सो इसको आप एज ए शोपीस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप एक छोटा सा मनी प्लांट या कुछ प्रोपागेशन के लिए आपको कुछ रखना है प्लांट्स, वो भी आप रख सकते हैं। देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैं लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो IKEA का मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन है वो है प्लांट्स। प्लांट सेक्शन में अगर आप जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और IKEA जाओ प्लांट्स लेके ना आओ ये हो नहीं सकता। सो मैं जब भी जाती हूँ IKEA में प्लांट्स लेके आती हूँ, मुझे वहाँ के प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्या, कोई भी वहाँ पे जाएगा प्लांट्स लेके आएगा, क्योंकि वो सेक्शन ही ऐसा है, आप जाएंगे आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं क्या लेके आई हूँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली आई गॉट माई ZZ प्लांट, यस। सो ये प्लांट एंड प्लांटर दोनों ही IKEA से है। सो मुझे एक छोटा सा चाहिए था इसलिए मैं लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा है ये ZZ प्लांट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लांट्स मैं लेके आई हूँ वो है सिंकोनियम एंड क्रासुला, ये दो प्लांट्स भी मैं लेके आई हूँ एंड ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट है। फ्रेंड्स, यही था मेरा IKEA हॉल वीडियो। IKEA के साथ क्या है, आप अगर एक ही बार जाएंगे ना आप सारे सामान लेके नहीं आ सकते, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको लगेगा कि मैं और एक बार जाऊँ और एक बार जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ह्यूज सामान मिलते हैं। सो मैं नेक्स्ट कब जाऊँगी मुझे पता नहीं। सो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ आज का ये हॉल वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे मेकअप वीडियोस एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट है मेरे किचन टूर के लिए, वो भी मैं आपको जल्दी करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड जस्ट स्टे ऑसम। बाय फ्रेंड्स।